हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। जो भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं तो उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? द फर्स्ट वन इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको बोलते हैं परासरण एवं परासरण दाब। सेकेंड वन इज लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज वाष्प दाब का अवनमन। एंड द थर्ड वन इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। एंड द फोर्थ वन इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज हिमांक का अवनमन। तो जो भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं तो जब हम उनका सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन ये प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं, परासरण, वाष्पदाब, क्वथनांक और हिमांक। इन प्रॉपर्टीज को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। दीज आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो अभी देखते हैं ये क्या होते हैं। तो इसको बोलते हैं द्रव्यलयन के अणुसंख्यक गुण। तो जो अभी मैंने बताया कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स होते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो डिपेंड करती हैं सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साइज पे, उनके मोल फ्रैक्शन पे। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को जो कि उनके अणुओं पे डिपेंड करती हैं, उनके मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती हैं, उनके पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने किशमिश देखी होगी, जब आप किशमिश को पानी में डाल के रखते हैं या ग्रेप्स को वाटर में डाल करके रखते हैं तो देखते हैं कि वो फूल जाते हैं, है ना। उनके अंदर क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स किशमिश के अंदर चले जाते हैं और किशमिश फूल के मोटी हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, इसी को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। इस एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हम लोगों ने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर हम लोगों ने एक डाइल्यूट सॉल्यूशन, सॉरी कंसंट्रेट सॉल्यूशन और एनी सॉल्यूशन फिल कर रखा है। कंसंट्रेट सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, सॉल्यूशन ले लिया और इसको डिप किया हम लोगों ने एक डाइल्यूट सॉल्यूशन में। दो चीजें हैं, अगर आप डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं तो यहां पर कंसंट्रेट लेना पड़ेगा, या आप यहां पर प्योर सॉल्वेंट लेते हैं तो इसके अंदर आपको सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इंटर करते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन में और यहां पर फिल होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन और अ प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मतलब क्या हुआ कि द्रव अवस्था में तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से जो स्वतः प्रवाह होता है उसको हम लोग परासरण कहते हैं। परासरण में मेन रोल होता है इस अर्धपारगम्य झिल्ली का, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि काफी चीजें हम लोग उनके नेम से समझ सकते हैं, जैसे इसका नाम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्ध पारगम्य झिल्ली, दैट इज अर्ध पारगम्य, आधा पार करने देता है ऐसी झिल्ली, ऐसी झिल्ली जो आधा पार करने दे। इसका मतलब क्या हुआ कि यह झिल्ली जो दिस मेम्ब्रेन ओनली अलाउ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कंसंट्रेट सॉल्यूशन और द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। मतलब केवल प्रवाह जो फ्लो होता है वो लिक्विड से डाइल्यूट से कंसंट्रेट की ओर या सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर होता है, ऐसे झिल्ली को हम लोग अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये केवल जो विलायक के मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉल्वेंट के,
वो तो फ्लो कर सकते हैं, बट जो सॉल्यूट के फ्लो पार्टिकल्स हैं वो फ्लो आउट नहीं हो सकते हैं। ऐसी मेम्ब्रेन को हम लोग अर्ध पारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जिनको बोलते हैं सम परासारी विलयन, सम परासारी विलयन। तो फिर वही चीज मैं दोबारा बताऊंगा आपको कि नाम से आप समझ सकते हो सम परासारी, दैट इज जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं, ऐसे लिक्विड्स जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं उनको हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। मतलब समान ताप पर जिन विलयनों का परासरण दाब समान होता है उनको हम लोग सम परासारी विलयन कहते हैं। ऐसे सॉल्यूशन जिनके वाष्प दाब समान होते हैं उनको आइसोपेस्टिक सॉल्यूशन या समदाबी विलयन कहते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशंस जिनके वेपर प्रेशर सेम हो उनको हम लोग आइसोपेस्टिक या समदाबी विलयन कहते हैं। सपोज हम लोग के पास दो सॉल्यूशन है ए और बी, और ए का ऑस्मोटिक प्रेशर पीए है और बी का ऑस्मोटिक प्रेशर पीबी है, ठीक है। तो अगर दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होंगे तो हम लोग इनको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो जिनके परासरण दाब समान होते हैं उनको हम लोग समदाबी विलयन कहते हैं, और अगर इनके डिफरेंट होते हैं, सपोज पीए का प्रेशर ज्यादा है पीबी से, तो इसको हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड दिस इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर हम लोग दो सॉल्यूशन ले लें तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसको हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और जिसका कम होगा उसको हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। अब बात करते हैं कि हम लोग जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो फाइंड कैसे करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। तो सपोज ये एक हम लोगों ने एक पॉट लिया, यहां पर हम लोगों ने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। दिस इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्ध पारगम्य झिल्ली, और यहां पर हम लोगों ने कंसंट्रेट सॉल्यूशन ले रखा है। दिस इज अ कंसंट्रेट सॉल्यूशन, और इसमें हम लोगों ने डाइल्यूट सॉल्यूशन भर रखा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन भर रखा है। तो अभी क्या होगा कि हम लोग जानते हैं कि एक नेचुरल फ्लो होता है, स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कंसंट्रेट सॉल्यूशन, और इसके मॉलिक्यूल्स इंटर करना स्टार्ट कर देंगे कंसंट्रेट सॉल्यूशन में। तो भी क्या होगा, इसका जो लेवल है वो ऊपर बढ़ेगा, लेवल राइज करेगा। तो अगर हम लोग कोई प्रेशर लगा करके इसको स्टॉप कर दें, ठीक है, एक प्रेशर लगा करके इसको स्टॉप कर दें, तो जितना प्रेशर हम लोग लगाएंगे वही उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। आइए फिर से एक बार दूसरे डायग्राम की हेल्प से हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को समझते हैं। सपोज यहां पर हम लोगों ने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखी है, दिस इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्ध पारगम्य झिल्ली, और इसमें हम लोगों ने डाइल्यूट सॉल्यूशन को फिल कर रखा है। यहां पर डाइल्यूट सॉल्यूशन है और इसके अंदर कंसंट्रेट सॉल्यूशन को आपने फिल किया है, ठीक है। तो भी क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटर करना स्टार्ट करेंगे इन कंसंट्रेट सॉल्यूशन में,
और इसका लेवल राइज करेगा क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे डाइल्यूट वाले, तो इसका एक लेवल जो है वो बढ़ेगा। और इसको रोकने के लिए आपने जो प्रेशर लगाया है एक्स्ट्रा पी, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब क्या समझे आपको कि ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रेशर आप लगाते हैं, इसी एक्स्ट्रा प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसकी एक मेथड होता है, इसको हम लोग बर्कले हार्टले मेथड कहते हैं, उससे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब के नियम क्या होते हैं। सबसे पहला होता है बाइल वॉन्ट ऑफ लॉ, बाइल वॉन्ट ऑफ नियम। अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट देन इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर पी directly proportional to its concentration C। मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग ताप को स्थिर कर दें, स्थिर ताप पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है P, वो उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कंसनट्रेशन जो मोलरिटी निकाली थी हम लोगों ने, वो इक्वल टू थी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। दैट इज अगर हम लोग वन मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो पी directly proportional to 1 अपॉन वी, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, देन वी कैन राइट दैट इज पी वी इक्वल टू के। इसको हम लोग बोलते हैं बॉयल्स वॉन्ट ऑफ लॉ। एंड अकॉर्डिंग टू चार्ल्स वॉन्ट ऑफ लॉ, इफ कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन सी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, कंसंट्रेशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट, देन इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर पी will be directly proportional to its absolute temperature, that is P directly proportional to T. We can write P is it P equal to K times T, that is P upon T equal to constant। ठीक है, तो अगर हम लोग बायल्स वॉन्ट चार्ल्स वॉन्ट ऑफ लॉ और चार्ल्स वॉन्ट ऑफ लॉ को कंबाइन करेंगे, तो अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ PV equal to K, PV equal to constant, and according to Charles' law, P upon T directly proportional to is equal to K dash, that is equal to constant। दोनों combine करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा PV upon T equal to constant, which is equal to PV upon T equal to R, that is PV equal to RT। If we are talking about n moles, if n moles of the solution, then it will be equal to PV equal to nRT। The second topic पे हम लोग बात करेंगे vapor pressure की। Vapor pressure, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग किसी भी लिक्विड को किसी भी बर्तन में आप रख दीजिए, तो जो उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो वेपराइज हो जाते हैं और वो जो वेपर होती है वो एयर में मिल जाती है। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी भी लिक्विड को रखते हैं तो उस वेपर में बन जाती है और वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। दैट मीन्स दोनों का इक्विलिब्रियम रहता है। तो इस इक्विलिब्रियम में वेपर का जो प्रेशर होता है उसको हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। तो इन द इक्विलिब्रियम स्टेज ऑफ लिक्विड एंड वेपर, द प्रेशर ऑफ वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। वेपर प्रेशर के लिए राउल्स ने एक लॉ बनाया था कि जो नॉन वोलाटाइल अगर सॉल्यूट आप किसी सॉल्वेंट में मिलाएंगे, उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो सपोज उसका पहले प्रेशर था पी नॉट, और जब आपने उसमें एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो उसका वेपर प्रेशर हो जाता है पी एस। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग मतलब क्या हुआ कि कितना कम हुआ, पहले पी नॉट था बाद में पी एस हो गया, तो कितना कम हो गया, पी नॉट माइनस पी एस। अब रिलेटिव अगर कंपेयर करें आप, है ना, पहले से कंपेयर करें तो पी नॉट
माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, दिस इज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विलयन के मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो जो रिलेटिव लोवरिंग प्रेशर होती है वो इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। मतलब क्या हुआ कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन इक्वल टू होता है विलेय का मोल प्रभाज। मतलब जब भी आप कोई नॉन वोलाटाइल अवाष्पशील विलेय घोलते हैं विलयन में तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो सपोज सॉल्यूट के मोल्स स्मॉल एन है और सॉल्वेंट के कैपिटल एन है, तो मोल फ्रैक्शन में हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। तो इससे हम लोगों ने क्या समझ में आया कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। इन थर्ड पॉइंट वी विल डिस्कस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है, तो द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उस पॉइंट को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे इंक्रीज करता है तो जो डेल्टा टी होता है उसकी हेल्प से हम लोग किसी भी सॉल्यूट का मॉलिकुलर वेट निकाल सकते हैं, और उसका फार्मूला होता है एम इक्वल टू 1000 टू के बी स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी बी इनटू कैपिटल डब्ल्यू। एम इज मॉलिकुलर वेट, के बी इज बॉइलिंग कॉन्स्टेंट, स्मॉल डब्ल्यू सॉल्यूट का वेट, डेल्टा टी बी इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट एंड द कैपिटल डब्ल्यू विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द सॉल्वेंट। सिमिलरली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले समझते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो जब हम लोग एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट में इसके वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है उस टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो जब भी हम लोग कोई सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसका वेपर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हो सॉल्यूशन में तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है जबकि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता था। तो कितना डिक्रीज किया है उसकी टेम्परेचर की वैल्यू से हम लोग मॉलिक्यूलर वेट उस सॉल्यूट का निकाल सकते हैं। द फॉर्मूला इज दिस, थोड़ा सा डिफरेंस है, एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट, के एफ फ्रीजिंग कॉन्स्टेंट, डेल्टा टी एफ डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये चार पॉइंट्स थे जो हम लोगों को डिस्कस करने थे। अब इसके न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।